बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, अल्लाह ताला उससे कुल इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। इसी दुआ के साथ आज हम अपने किचन में काम शुरू करेंगे। आज मैं अपने किचन में कड़ी पकौड़ा बनाने लगी हूँ। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये दही लिया है 1 किलो के करीब। इसको जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है, ये देखते हैं आप। और उसके बाद पहले मैं आपको पकोड़ों का सामान बता दूंगी जो हमने पकोड़े बनाने में इस्तेमाल करना है। ये सब्ज़ मिर्चे हैं, 5 से 6 अदद बारीक काटती हैं। धनिया लिया है थोड़ा सा, और पालक जो है ये इसमें आप दे सकते हैं। इस तरह अपने हिसाब से आप जो भी घर पर बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा या कम पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें एक प्याली भर के जो है पालक इस्तेमाल की है। अनारदाना है 1 चम्मच है, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। आलू 1 अदद लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 अदद प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। पकौड़ों के लिए जो मैंने मसाला है लिया है, उसमें 1 चम्मच जो है ये सुरख मिर्चे हैं, 1 चम्मच हिलाकर जो है मैंने नमक लिया है। अगर कम होगा तो चेक करके फिर डाल लेंगे। ज़ीरा लिया है 1/2 चम्मच। ये है बेकिंग पाउडर, ये आप देख सकते हैं। इस तरह जिस तरह आप पकौड़ों के हिसाब से कम या ज़्यादा बना रही है, तो तकरीबन जो है ना 1 पाव बेसन के साथ जो है ये मैं बनाऊंगी पकौड़े। उस हिसाब से आप इस तरह थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर लें। और साबुत धनिया है, ये भी इसमें 1/2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। और ये जो है तड़के में इस्तेमाल करूँगी मैं बाद में। जो मैंने कड़ी का मसाला बनाना है उसमें जो इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच हिलाकर मैंने नमक लिया है। बाद में चेक करके और भी डाल सकते हैं अगर काम हुआ तो। सूखा धनिया 1/2 चम्मच है, गार्निश के लिए धनिया है। और टमाटर जो है ये 1 अदद मैंने लिया है, इसको बारीक काट लिया है। 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च है, ये भी बारीक काट लिए हैं। बेसन जो है ये मैंने 1 किलो के करीब लिया है, और इसमें जो है हम इसमें से हसबे ज़रूरत ही इस्तेमाल करेंगे। लहसुन का पेस्ट जो है 1 चम्मच है, अदरक का भी पेस्ट 1 चम्मच है, 1 चम्मच जो है मैंने प्याज लिया है, इसको बड़ी कद्दूकश कर दिया, आप देख सकते हैं। इस तरह ऑयल है मेरे पास 1 प्याली। इसमें जो है कुछ जो है कड़ी में मैं इस्तेमाल करूँगी और कुछ जो है तड़के में इस्तेमाल करूँगी। पकौड़ों के लिए अलहदा से जो है वो घी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब जो है हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पकौड़ों का मिक्सर बना लेंगे और इसको बना के रख लेंगे। जितनी देर ये पड़ा रहेगा उतने ही पकौड़े हमारे अच्छे बनेंगे। सबसे पहले इसमें हम पालक इस्तेमाल करेंगे, आलू, और प्याज, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। घर पे अगर आप कोई भी इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो अपने हाथ, पहले भी हम जो है अपने हाथ अच्छे से धो लेते थे, अब जो है ज़्यादा ये ज़रूरी हो गया। इसलिए आप घर अपने किचन में काम कर रहे हो तो अपने हाथों को बार बार अच्छे से जो है साबुन से धोएं। ये सारे मसाला चार जो है ये शामिल करते हैं इसमें। अनारदाना ये मैंने 2 से 3 पानी जो है इसे अच्छे से धोया है, और उसके बाद इस तरह इसमें भिगो के रख दिया था पानी में, ये इसमें शामिल कर देंगे। सारे मसाले जो है मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह करके। और थोड़ा थोड़ा करके जो है इसमें बेसन शामिल करेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा सा और शामिल करेंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये देखें जी, जो मिक्सर अच्छे से तैयार हो चुका है पकौड़ों का। अब ये ऊपर से ढककर रख देंगे और उसके बाद जो है कड़ी का हम जो है मसाला तैयार कर लेंगे और बाद में हम पकौड़ों को भी साथ साथ जो है बनाते जाएंगे। जब हमारा मसाला थोड़ा सा तैयार होना शुरू हो जाएगा और साथ ही हम पकौड़े भी बनाना शुरू कर देंगे, उतनी देर में जो है ये थोड़ा सा दरा सेट हो जाएगा, उसके बाद हम जो है इसे पकौड़े बना लेंगे। अभी जो है इसे मैं ढक के रख दूँगी। सबसे पहले जो है इसमें ऑयल शामिल करेंगे। आधा प्याली जितना जो है ऑयल इसमें शामिल करेंगे और कुछ जो है हम तड़के के लिए रख देंगे। साथ ही इसमें जो है प्याज शामिल कर देंगे। प्याजों को पहले अच्छे से हमने ब्राउन करना है, उसके बाद जो है बाकी के मसाला चाट इसमें शामिल करने हैं। प्याजों को पहले हम ब्राउन होने देंगे हल्की सी आंच पे। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें जो है लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा जो है ब्राउन कर लेंगे। और साथ ही जो है अब हल्के से ब्राउन होने के बाद जो है ये मसाला चाट इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद जो है पानी शामिल करेंगे। इसमें जो है टमाटर ये शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो है टमाटर अच्छे से गल जाए। चेक कर लेंगे इसे। टमाटर हमारे हल्के से जो है गलना शुरू हो गए। अब इसमें जो है मैं थोड़ा मिर्चें ये शामिल कर दूँगी। सभी मिर्चों को जो है इसके साथ टमाटर के साथ ही जो है थोड़ी देर के लिए भूनना है। अच्छे से टमाटर को मिक्स करना है और अब इसमें जो है अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से इसमें भूनना है मसाले में। ये आप देख सकते हैं अदरक और बाकी का जो सारा मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं आधा ग्लास जो है पानी शामिल करूंगी ताकि ये जो मसाला है सब जो है अच्छे से जो है मिक्स हो जाए, क्योंकि ये कड़ी में डालना है इसलिए ये मोटा मोटा जो है इसका सामान नज़र आए मिक्स हो जाए ना अच्छे से। ये वाला पानी भी इसमें शामिल कर दूंगी और इसे ऊपर से ढक दूंगी ताकि ये जो मसाला है अच्छे से गल जाए और मिक्स हो जाए। ठीक है, अब इसे ऊपर से मैं ढक दूंगी और जो इसमें हमने दही दाल जो इसमें हमने बेसन डालना है वो तैयार कर लेंगे। ये मेरे पास 4 चम्मच जो है बेसन है। इसमें मैं ये जो दही बनाया हुआ है लस्सी टाइप इसको हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उतनी देर में हमारा जो मसाला है वो भी तैयार हो जाएगा और इसे भी हम अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले के बाद हम चेक कर लेंगे।
आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से जो अंदर से मिक्स हो चुका है। और ये जो बेसन जो है मैंने दही में शामिल किया था, ये देखिए इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे इसका शामिल करके साथ साथ इसको चक्कर साथ साथ इसको हिलाना भी है इस तरह, ताकि गुठलियाँ ना बने। चूल्हा जो है बिल्कुल लो कर लें और इससे पहले अच्छे से हमने भूनना है। थोड़ा सा चूल्हा हम तेज कर लेंगे इसे पकाने के लिए। ये देखिए समोसा बहुत ही अच्छा सा जो है भून रहा है इसमें, और बेसन को हमने अच्छे से इसमें भूनना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छे से भून लें। देखिए मसाला जो है, मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब जो है ये दही इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, साथ साथ इसे मिक्स भी करते जाए। अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें गुठली ना दे, इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें गुठली ना दे। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे दूसरे चूल्हे पे रख दूंगी और इधर मैं इसके लिए पकोड़े बना लूंगी। मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है, इसको ऊपर से ढक देंगे। दरमियानी से आंच पे मैंने रखा है ताकि ये जो है पक जाए अच्छे से। और दूसरी साइड पे मैंने जो है घी रख दिया है कढ़ाई में। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और जो पकौड़ों का मिक्सर था उसको मैंने चेक किया, उसमें नमक थोड़ा कम था, थोड़ा सा नमक और शामिल किया है मैंने। अब जो है पकौड़े हम तैयार कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं, हाथ की मदद से भी बना लें, जैसे आपको इजी लगे। इसी तरह जो है सारे पकौड़ों को हम डाल लेंगे मिक्सर को अंदर पकौड़ों के लिए। सारा मिक्सर जो है पकौड़ों का वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला है। अभी जो है इसे पहले पकौड़ों को थोड़ा तैयार कर लेंगे, एक साइड से पकने देंगे, फिर पलट लेंगे दूसरी साइड पे। एक साइड से थोड़े से जो है पक चुके हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे दूसरी साइड से पकने के लिए। और इन्हें मज़ीद जो है और पकने देंगे। पकौड़े देखें अच्छे से बन चुके हैं। अब जो है इसे मैं कड़ी वाले मसाले में डाल दूंगी। इस तरह ये देखिए और बाकी के भी इसी तरह जो है सभी बना के इसमें शामिल कर दूंगी। देखिए ये जो पकौड़े हैं ये भी इसमें शामिल कर देंगे सारे। चूल्हा बंद कर दूंगी। आप देख सकते हैं साथ जो है पकौड़े सभी इसमें शामिल कर दिए हैं। ये मैं इसमें हरा धनिया खाली के लिए शामिल करूंगी, गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। देखो कड़ी को जो है मैंने डिश आउट कर लिया है। अब जो है मैं इसे इसका तड़का जो है वो तैयार कर लूँगी। तड़के के लिए जो है ऑयल इसमें शामिल करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। इसमें हम कड़ी पत्ता ये शामिल करेंगे और आधा चम्मच जो है जीरा। और साथ ही ये 3 अदद जो है साबुत गोल मिर्च है ये शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसे भून लेंगे इसे। आप देख सकते हैं मिर्चों का कलर भी चेंज हो रहा है और जीरे का भी।
अभी जो है इसे हम कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं। कढ़ी को तड़का लगा लिया है, आप देख सकते हैं लोग इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, कढ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग बेरोज़गार हैं और जिनके घर पे खाने को नहीं कुछ, उनकी हेल्प करें जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास गुंजाइश है उस हिसाब से आप एक दूसरे की मदद करें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।